नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान शिखर धवन ने भारतीय टीम की श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 को लेकर किया ऐलान। तो क्या होने वाली है पूरी प्लेइंग 11 बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, टीम इंडिया को जल्द ही श्रीलंका के दौरे पर रवाना होने वाली है, जहां पर भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाने वाली है। टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के टेस्ट सीरीज खेल रहे होंगे। इस कारण श्रीलंका दौरे पर कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। भारतीय टीम 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी, जहां पर 3 वनडे मैच खेले जाएंगे, जिसमें 13 जुलाई, 16 जुलाई और 19 जुलाई को वनडे खेला जाएगा। इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। टी20 सीरीज का पहला मैच 22 जुलाई, दूसरा मैच 24 जुलाई और तीसरा मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा और यह सभी मैच एक ही स्टेडियम में खेले जाएंगे। और भारतीय टीम चाहेगी कि वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ ही की जाए और इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम अपने सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 मैदान पर उतारेगी। तो आइए जानते हैं क्या होने वाली है राहुल द्रविड़ वहाँ कप्तान के अनुसार भारतीय टीम की श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11। बात करें प्लेइंग 11 की तो कुछ इस प्रकार होने वाली है। पृथ्वी शॉ के साथ शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, इसके अलावा 4 नंबर पर संजू सैमसन, 5 नंबर पर मनीष पांडे, इसके अलावा 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 7 नंबर पर कुणाल पांड्या, 8 नंबर पर भुवनेश कुमार, 9 नंबर पर दीपक चहर और 10 नंबर पर चेतन सकारिया या फिर टी नटराजन और 11 नंबर पर होंगे युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 होने वाली है पहले वनडे मुकाबले के लिए। तो आपको क्या लगता है, भारतीय टीम जीतेगी या फिर नहीं? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।